हेलो गाइस, मैं हूँ अबीहा इंतखाब। आपके अपने यूट्यूब चैनल अबीहा क्लासेस सफलता की सोच में आपका स्वागत है। आज हम एक नोटिफिकेशन ले आए हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक भर्ती निकाली गई है। उस भर्ती के बारे में हम जानेंगे कि कुल कितनी पोस्ट है, पोस्ट का क्या नाम है, क्या योग्यता है, आवेदन शुल्क कितना है, इन सब पे बात करते हैं। डिटेल में जानते हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा निकाली गई इस रिक्वायरमेंट के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साथ ही साथ करंट अफेयर्स और जितनी भी गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन आती है उसकी पहली इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाई जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं सुप्रीम कोर्ट की इस भर्ती के बारे में। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय भर्ती 2022 में जूनियर कोर्ट असिस्टेंट यानी GCA की ये भर्ती निकाली गई है। GCA के लिए ये विज्ञापन जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की ये भर्ती है GCA के लिए, यानी कि जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की ये वैकेंसी है। ठीक है, चलिए बात करते हैं आवेदन शुरू कब से है, यानी कि इंपॉर्टेंट डेट्स पे अगर बात करते हैं तो देखिए, आवेदन शुरू है आपका 18/6/2022, यानी कि 18 जून से आप आवेदन कर सकते हैं। 18 जून 2022 से आवेदन कर सकते हैं और 10 जुलाई 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। कब से कर सकते हैं? 18 जून 2022 से आवेदन कर सकते हैं, 10 जुलाई 2022 तक आवेदन कर सकते हैं, यानी कि आपके पास इतना ही टाइम है। देखिए, अगर आपको इन्फॉर्मेशन जल्दी मिल रही है तो आप फर्स्ट वीक में ही कोशिश किया करिए कि आप फॉर्म फिलअप कर दें, क्योंकि आप जब लास्ट टाइम पे जाते हैं फॉर्म फिलअप करने तो कभी कभी ऐसा होता है कि साइट काम नहीं करती, आपकी जो फोटो है वो अपलोड नहीं हो पाती, आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो पाते, बहुत सी प्रॉब्लम होती है। तो जब आप फॉर्म ही फिलअप नहीं कर पाते तो कैसे आप एग्ज़ाम दे पाएंगे? इसलिए जैसे ही आपको पता चले फर्स्ट वीक में ही आप फॉर्म भर दिया करिए, क्योंकि लास्ट टाइम पे साइट पे इतना ज़्यादा लोड पड़ जाता है कि वो काम नहीं करती और फिर गवर्नमेंट डेट आगे नहीं बढ़ाती है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अगर बात करते हैं कुल पोस्ट कितनी है, तो 210 पोस्ट है। कुल कितनी पोस्ट है? 210 पोस्ट है। GCA की वैकेंसी है जूनियर कोर्ट असिस्टेंट सर्वोच्च न्यायालय भर्ती 2022 के बारे में बात कर रहे हैं। आवेदन शुल्क हम देखते हैं तो सामान्य OBC EWS के लिए यहाँ पे 500 रुपये। देखिए, यहाँ पे महिला पुरुष की कोई श्रेणी नहीं है। सामान्य OBC EWS के अगर कैटेगरी में आप आते हैं तो आपको 500 रुपये पेमेंट करना पड़ेंगे आवेदन शुल्क। SC ST PT यहाँ पे PH के लिए आपको 250 रुपये पेमेंट करने पड़ेंगे। ठीक है, SC ST PH के लिए आपको 250 रुपये यहाँ पे पेमेंट करने पड़ेंगे। अब आगे बात करते हैं आयु न्यूनतम, तो 18 वर्ष, अधिकतम 30 वर्ष, यानी कि कम से कम 18 वर्ष और अधिक से अधिक 30, यानी कि 30 से अधिक 31 नहीं होनी चाहिए, 18 से कम भी नहीं होनी चाहिए। तो हमने आवेदन शुल्क जान लिया कि 500 और जो रिजर्वेशन कैटेगरीज में आते हैं उनका भी 250 लग रहा है। रिजर्वेशन कैटेगरी में तो OBC और EWS भी आते हैं, फिर भी उनका 500 लग रहा है। तो ये सुप्रीम कोर्ट की वैकेंसी है तो आवेदन शुल्क उसी के हिसाब से है। न्यूनतम आयु की बात करते हैं तो 18, अधिकतम 30 वर्ष। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं, एलिजिबिलिटी यानी योग्यता क्या मांगी गई है GCA के लिए। ठीक है, तो GCA के लिए जो योग्यता मांगी गई है उस पर हम बात करते हैं और जानते हैं GCA की योग्यता के बारे में। ठीक है, तो GCA की योग्यता जो मांगी गई, स्नातक। देखिए, किसी भी स्ट्रीम में आपने स्नातक कंप्लीट किया हो, यानी कि आपने कॉमर्स स्ट्रीम में, साइंस स्ट्रीम में, आर्ट स्ट्रीम में स्नातक कंप्लीट किया, उससे कोई मतलब नहीं, बस आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। ठीक है, आगे जानते हैं कंप्यूटर टाइपिंग अंग्रेजी में, यानी इंग्लिश में आपको कंप्यूटर टाइपिंग आनी चाहिए। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं स्पीड की, तो 35 WPM यानी कि वर्ड पर मिनट, 35 वर्ड आप पर मिनट टाइप कर ले रहे हो इंग्लिश में, तभी आप इसके लिए अप्लाई करिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कंप्यूटर संचालन का ज्ञान, यानी कि कंप्यूटर चलाना आपको आता हो, बेसिक्स इन्फॉर्मेशन आपको कंप्यूटर की हो। ठीक है, तो देखिए ये एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, आपकी जो इंग्लिश की टाइपिंग है वो काफ़ी अच्छी स्पीड में होनी चाहिए, 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड में होनी चाहिए, कंप्यूटर संचालन का आपको अच्छा खासा ज्ञान हो, यानी कि आप कंप्यूटर चलाना जानते हो। तो ये वैकेंसी बहुत अच्छी वैकेंसी है, 210 इसमें टोटल पोस्ट है। अगर हम आवेदन शुल्क की बात करते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है, 500 और 250 है। ठीक है, यानी कि जो SC ST PH में आते हैं उनके लिए 250 और जो सामान्य OBC EWS में आते हैं उनके लिए 500। डेट अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, आपके पास अभी इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है, मेरा वीडियो पहुंच रहा है, उससे आगे आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है। तो आप इस फॉर्म को ज़रूर फिलअप कीजिएगा, इस फॉर्म के बारे में सोचिएगा, और अगर आप इसको सिलेबस चाहते हैं तो भी कमेंट करके बताइएगा, हम डिटेल में बताएंगे आपको। ठीक है, तो आज का वीडियो बस इतना ही, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर गवर्नमेंट जॉब की जितनी भी नोटिफिकेशन आती है उसकी पहली इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाती है। तो थैंक यू बच्चों।